चलिए पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। प्रांजल, अगर कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही हैं, तो अगर इसी तरह की स्थिति, इसी तरह की तस्वीरें देखी जाएंगी, देखने को मिलेंगी, तो कोरोना पर कैसे कंट्रोल होगा? आपको बता दें, पीलीभीत जनपद की अगर बात किया, पीलीभीत जनपद में बीते दो दिनों में 4 कोरोना के मरीज जो है मिले हैं। वहीं लगातार जिस तरीके आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो उसको मद्देनजर कहीं ना कहीं शासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है कि भीड़ भाड़ से बचें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वहीं शासन के निर्देश पर जो है नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है, लेकिन दिन की अगर बात किया तो दिन में जो जनसभाओं को छोड़कर बाकी जो धार्मिक अनुष्ठान है उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शादी समारोह की बात किया, शादी समारोह में 200 से ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इस लेकिन जो जनसभाएँ हैं, जो जिस तरीके 2022 का जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जनसभाएँ हैं उन जनसभाओं पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ना ही उनकी परमिशन लेने की कोई बात की जा रही कि परमिशन ली जाएगी तभी जो है जनसभा होगी, लेकिन जनसभाएं लगातार हो रही हैं। और अभी हाल ही में जो है यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, भीड़ जुटाने के लिए तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए थे। तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं भाजपा के, उन्होंने जो जो, जो भाजपा के जो दावेदार हैं भीड़ जुटाने की कोई पूर्व कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताई कि 70-80 हज़ार आदमी इस जनसभा में शामिल हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रांजल, हम तस्वीरें लगातार ऐसी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है और प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है। चलिए गुजरात से भी हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, मैं पारुल में आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रशासन की बात ले जाए तो प्रशासन अभी तक कोई किसी भी प्रकार की एक्शन मोड पे नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं सभी जगहों पे बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंस या मास्क पहना हुआ सभी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन कर लो तो आज अहमदाबाद में रिवर फ्रंट हजारों की तादाद में लोग 4:30 प्रोग्राम किया गया है, वहाँ पे 400 से अधिक साधु लोग वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और हजारों की तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं। अभी ऐसे माहौल में जहाँ हर दिन अहमदाबाद में और गुजरात में 1200 के ऊपर कोरोना मरीज नए सामने आ रहे हैं, उस वक्त ऐसे प्रोग्राम करने की सरकार को क्या अनुमति देना जरूरी है या नहीं, वो देखना रहता है। जी चलिए ठीक है, प्रांजल और प्रणव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं और गुजरात के क्या हालात हैं, ये यहाँ पर हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि आपको बताया कि चुनावी माहौल है, इसमें कई प्रदेशों में रैलियां चल रही हैं। आपको बता दें, 3 जनवरी को देहरादून में जनसभा अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, वहीं 2 जनवरी की बात की जाए तो एक बड़ी जनसभा करने के लिए अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे। इसके साथ ही बात करें अगर 1 जनवरी की, तो नए साल के मौके पर पंजाब के अमृतसर और राम तीर्थ मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। और इससे पहले आपको बता दें, 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च में भी अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे। और इसके अलावा बात अगर की जाए 30 दिसंबर की, तो चंडीगढ़ में विजय यात्रा का हिस्सा अरविंद केजरीवाल रहे थे। देखिए, एक ग्राफिक्स दिखाने का और ये उनकी चुनावी रैलियों के बताने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आज सुबह अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां पर अरविंद केजरीवाल पिछले 5 दिन से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, अब उसके बाद कहीं ना कहीं ये बेहद चिंता की बात है। तो चलिए, उत्तराखंड से हमारे देहरादून से ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, यहाँ पर अभी हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल कल देहरादून पहुंचे थे और एक बड़ी जनसभा उन्होंने की थी और बहुत हजारों लाखों की संख्या में वहां पर देखा था कि लोग भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज सुबह ये खबर आती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जी बिल्कुल पारुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर से यदि हम कल की बात करें तो लगभग 200 से अधिक जो मरीज हैं वो प्रदेश में पाए गए और जो मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी कि जो कहा जा सकता है कि वायरस जिस तरीके से फैलता है तेजी से वो फिर से उत्तराखंड में नजर आने लगा है, क्योंकि एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो लगभग 500 पूरे प्रदेश में अभी तक देखे गए। और सबसे बड़ी चीज, राजधानी देहरादून में सबसे अधिक मरीज पाए जा रहे हैं, इसके साथ ही दूसरे स्थान पर नैनीताल है। लेकिन जैसे कि आपका सवाल था कि अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो इन दिनों उत्तराखंड में जनसभा रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है या उनको पसंद करने वाले जो लोग हैं वो उन रैलियों में पहुंच रहे हैं। तो कोरोना की जो खतरे की घड़ी है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है और हमने कई बार इसको लेकर खबरें भी चलाई, डिबेट्स भी हमारे इन्हीं मुद्दों पर होती थी जनहित के, कि आखिरकार क्या वजह है कि जो राजनेता हैं वो कोरोना के इस काल में भी अपनी रैलियों को बंद करना पसंद नहीं कर रहे हैं और लगातार कोरोना को देखते हुए भी रैलियां लगातार कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा कुल मिलाकर आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में इस तरीके की रैलियां बीजेपी को भी करनी है, कांग्रेस को भी करनी, आम आदमी को भी करनी है। यही वजह है कि हम रैलियों पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, पंजाब में हो, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचकर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब अरविंद केजरीवाल कल देहरादून पहुंचे थे तो मंच पर बहुत सारे नेता उनके साथ मौजूद थे, तो क्या उन सभी नेताओं को अब टेस्ट कराया जाएगा या फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मंच पर जितने भी कहा जा सकता आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स है, चाहे उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर जो चुनाव लड़ना चाह रहे हो आम आदमी पार्टी से, कर्नल अजय कोठियाल हो, वो हो, तमाम चाहे प्रदेश प्रभारी हो, संगठन के तमाम पदाधिकारी हो, नेता हो, सभी लोगों को क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया और उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। ना केवल उनका बल्कि पार्टी से जुड़े तमाम जो वॉरियर्स थे, जो लगातार उनके लिए काम कर रहे थे, रैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन सभी लोगों को कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया। और क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की इस रैली में आम जनता की संख्या और अन्य लोगों से कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के संक्रमित होने के बाद सभी लोगों को कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया। देश में क्योंकि लगातार मरीजों जी ठीक है सुभाष, चलिए लखनऊ से हिमांशु भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हिमांशु, अगर लखनऊ की बात की जाए तो कोरोना को लेकर किस तरह के हालात लखनऊ में बने हुए हैं अभी? मैम बिल्कुल, जिस तरह से सरकार लगातार रैली प्रशासन रैलियां करवा रहा है, बिना परमिशन की रैली हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजधानी वासियों के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि लगातार राजधानी में देख सकते हैं कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल ही हाल ही में उत्तर प्रदेश में 500 से ऊपर केस आ चुके हैं और लखनऊ में 80 केस आए हैं, और लगातार अगर कोई भी आयोजन किया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं परमिशन लेने की जरूरत पड़े, चाहे शादी समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम। लेकिन जो लगातार सरकारें, जो लगातार पार्टियां रैली कर रही है, इसमें किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली जा रही। लगातार सरकार इस बात को कह भी रही है कि परमिशन लीजिए, लेकिन कहीं से भी कोई भी प्रकार की परमिशन नहीं ली जा रही है। जी चलिए ठीक है हिमांशु और सुभाष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। जा रही है लेकिन उसके साथ साथ तमाम राज्यों में चुनावी रैलियां भी खूब जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन राजनेताओं को जनता की सुध लेनी चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वही राजनेता आज के समय में ये बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, और ऐसे में इन तमाम राजनीतिक दलों में कोरोना को बढ़ने से कैसे रोकें, इस बात को छोड़कर किसकी रैली में कितनी ज्यादा भीड़ हो जाए, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है।
तो ऐसे में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किसकी रैली में किसको कितनी भीड़ जुटानी है। और इसीलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको कुछ सवालों के साथ यहीं छोड़े जा रहा है। और सवाल ये कि कोरोना को कैसे हटाएं या भीड़ कैसे जुटाएं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहां पर उठ रही है। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी ये सवाल कर रहा है कि कोरोना को आखिर कैसे हटाना चाहिए या भीड़ कैसे जुटानी चाहिए। नेताओं को ये सुध लेने की नहीं पड़ी, कोरोना से दूरी या चुनाव जरूरी, ये भी एक बड़ा सवाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से है। और जनता की सुरक्षा का क्या, क्योंकि जनता की सुरक्षा के बारे में इस समय कोई नहीं सुन रहा है। और एक तरफ वैक्सीनेशन तो दूसरी तरफ भीड़ जुटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। साथ ही जनता कब जागरूक होगी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि भीड़ वाली जगह जनता ही क्यों पहुंचती है। ऐसे में भीड़ आखिर क्यों जुटाना है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्या केवल वैक्सीनेशन ही समस्या का हाल है, और खुद से सतर्क जनता कब होगी, ये तमाम सवाल है जिनके साथ आज हम आपको छोड़े चलते हैं।